हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज का डे है रिव्यू डे, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बायोटिक के मैजिक ईयर लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू। इसका जो हॉल है बायोटिक के नेचुरल प्रोडक्ट का, नेचुरल मेकअप प्रोडक्ट का हॉल, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने इसको कितने प्राइस में और क्या क्या प्रोडक्ट वहां से परचेज किए हैं। तो बायोटिक एक नेचुरल ब्रांड है जिसके पहले स्किन केयर आते थे, बहुत ही अच्छे स्किन केयर वो सेल करता है। एंड बायोटिक मेरा फेवरेट ब्रांड है, स्किन केयर हो चाहे हेयर केयर हो, बहुत सारी चीजें वो बहुत ही अच्छी अच्छी लॉन्च करता है। हाँ, उसमें टोटली इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं होते हैं, तो वो क्रुएलिटी फ्री है, 100% वेगन है एंड पैराबन फ्री है, ऐसा वो दावा करता है। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बायोटिक का हॉल, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर चेक कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक के मैजिक ईयर फाउंडेशन के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दिस इज बायोटिक मैजिक ईयर लिक्विड फाउंडेशन एंड दिस इज ऑल डे फाउंडेशन। मैं इसको लगा चुकी हूँ एक दो बार एंड मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। राइट नाउ मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ ममा अर्थ की जो ब्लेमिशिश क्रीम है वही लगाई हुई है मेरे फेस पर, कुछ नहीं है। लिपस्टिक लगाई हुई है वो भी मैंने बायोटिक की ही लगाई हुई है, एंड आईलाइनर लगाया हुआ है वो भी मैंने बायोटिक का ही लगाया हुआ है, जिसका रिव्यू आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ ये बायोटिक का मैजिक ईयर ऑल डे फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप है। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस कि ये ऑल स्किन टाइप है एंड इसमें SPF 15 है, PA++ है, मेक माई स्किन ग्लो नेचुरली। तो दिस इज पैकेजिंग, ये 140 रुपीज का है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ml है। एंड इसका जो आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं एंड ऑल दैट सब कुछ इस पे मेंशन है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ इसकी ट्यूब आप लोगों को। तो 140 रुपए में अगर आपको 30 ml का फाउंडेशन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, सस्ता है। तो ये है ट्यूब, आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये कुछ पिंक शेड में है एंड इसके जितने पीच काइंड ऑफ शेड है, पिंक प्लस पीच कुछ इस तरीके की शेड है। तो ये ऑल डे फाउंडेशन है एंड विद मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स है, सारी की सारी इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्लियर फ्लॉलेस फिनिश, कवर ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट, स्मूथ ऑल डे कवरेज। तो ये इस तरीके से आता है। मेरा जो शेड है वो इसका है शेल, इसमें आपको 4 शेड मिलेंगे। ये इसके साथ नुकसान भी बोल सकते हैं कि इसके जो टोटल आपको 4 शेड मिलेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके की ट्यूब मिलेगी आपको, जिस तरीके की लैक्मे की सीसी क्रीम है कुछ इस तरीके की ट्यूब भी आती है। तो इसको सबसे पहले मैं आपने ले लेती हूँ बैक ऑफ माई हैंड पर एंड ये है प्रोडक्ट। तो इतना मैंने अभी लिया है, देखते हैं कि काफी हो गया है नहीं। और राइट नाउ मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं कि मेरे स्पॉट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इसको मैं लगा लेती हूँ। इसमें एक खुशबू है जिस तरीके से बायोटिक के प्रोडक्ट में होती है, बायोटिक का जो अगर आप लोगों ने यूज किया होगा इसका लोशन वगैरह, तो उसमें इसी तरीके की कुछ स्मेल होती है, बट बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। मतलब बहुत सी स्मेल होती है कि वो अच्छी नहीं लगती है, बट ये काफी अच्छी लग रही है। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही निकाल लिया है। इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, मतलब कि थोड़ा सा ना तो ये लिक्विडी फॉर्म में है और ना ही ये एकदम से, बहुत ही ठीक है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका। स्मेल बहुत अच्छी है एंड बहुत ही स्मूथ सा लग रहा है। मैंने इसके पहले कोई भी प्राइमर वगैरह नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ ब्लेमिशिश क्रीम लगाई हुई थी। तो आइए इसको ब्लेंड करते हैं। मैं इसको सिंपल हाथों से ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाथों से ये ब्लेंड हो जाएगा इजिली। और आप इसकी कवरेज दे सकते हैं, काफी अच्छी कवरेज है इसकी। वाओ, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, आप देख सकते हैं यहां पर। आप देख सकते हैं कि मेरे जो डार्क स्पॉट्स वगैरह थे वो सारे के सारे हाइड हो गए हैं
एंड इट्स गिव अ ग्लोई फिनिश, जैसे कि विंटर्स में होता है कि ग्लोई फिनिश चाहिए, और क्योंकि विंटर्स में रूखी रूखी स्किन हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, एंड इससे मेरी स्किन को बहुत ही ग्लोई फिनिश दिखाया, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ मैंने कोई हाइलाइटर वगैरह कुछ नहीं लगाया, आप लोगों के सामने मैंने इसे लगाया है एंड ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। जो लॉन्ग लास्टिंग वे है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको मैंने वन डे वियर किया था तो ये मेरी मतलब ऑलमोस्ट मेरा फुल डे चल गया था, तो ये पैची पैची नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल मेकअप लगता है कि आपकी स्किन पर ये सेट रहेगा, आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप लगाया हुआ है, एकदम नेचुरल फिनिश दे रहा है ये और बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये, इसका ग्लो एकदम मतलब ये ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है, आप मेरी नोज पे देख सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा सा लग रहा है ये, और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर मैंने इसको पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया है, नेक पे भी, और आई लव दिस फाउंडेशन एंड 140 रुपीज का है तो वेल एंड गुड। तो ये था आज मेरे इस प्रोडक्ट का रिव्यू और ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको डेफिनेटली जाके परचेज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन पर आप जरूर जाइए और इसको परचेज कीजिए, काफी अच्छा है एंड मुझे बहुत पसंद आया है। मेरा जो शेड है वो शेल 140 रुपीज का है, 30 ml है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, पायोटिक के प्रोडक्ट आप लोग जानते ही हैं तो उसके मेकअप प्रोडक्ट भी अब धीरे धीरे सब लोग जान जाएंगे। तो ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ एंड अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।